स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में, मैं हूँ अभिषेक। और हम लोगों ने इस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जहाँ पर जवान युवा जो अपनी रुचि हासिल किए हैं अपनी स्ट्रीम में, जैसे फुटबॉल, स्पोर्ट्स और ऐसे काफ़ी प्लेसेस है जहाँ पर यूथ्स लोगों ने अपनी रुचि हासिल की है, उसे लेवल अप किया है, स्पेसिफिकली कुलाबा विधानसभा में। हमारे साथ आज के फर्स्ट एपिसोड में जुड़े हैं सौरभ मेयर, जो कुलाबा विधानसभा से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को फुटबॉल में, और फुटबॉल में काफ़ी अपने आप को लेवल अप करके एक अपना नाम बनाया है इस इलाके में। तो स्वागत है यहाँ पर सौरभ मेयर का। हेलो, गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग सर, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है हमें, बट मुझे जानना है कि एज अ मैटर ऑफ लाइक कुलाबा में आप जो फुटबॉल खेल रहे हो, मैंने जब लोगों से पूछा कि कुलाबा में फुटबॉल में ज़्यादातर लोगों का मतलब मैं पूछ रहा था सबसे अच्छा खेलने वाले लोग कौन है, तो उनमें आपका नाम सब लोगों ने सजेस्ट किया कि सबसे पहले इंटरव्यू लेना चाहिए तो सौरभ का लेना चाहिए। क्यों ऐसे? पता नहीं, अभी तो नहीं बोल सकते, बट मेरे अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, मेरे सीनियर लोग भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैंने तो इतनी तक की हद कर दी कि ना मैंने सर्वे किया, फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने सर्वे किया, और उसमें ज़्यादातर लड़की लोगों ने बोला है कि हमारे एरिया में अगर तुम ले रहे हो, हमने हमारे चैनल पर डाला था इंस्टाग्राम पर, तो उन्होंने बोला था अगर एरिया में अगर तुम लोग इंटरव्यू लेना चाहते हो तो सौरभ का लीजिए। ऐसा क्यों? पता नहीं। मुझे 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 ये बताइए कि अब तो थोड़ा सीरियस बात हो जाता है, मुझे बताइए फुटबॉल में जो आपने एक अचीव किया है, छोटा मोटा नाम अपने आज बनाया है, सौरभ जैसा नाम लोग आज लेते तो बोलते हैं हाँ ओके उसका उनका गेम अच्छा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कितनी दिक्कत आ रही है और जो स्ट्रगल आपने किया है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? जैसे कि मेरा तो बहुत मतलब ऑफ डेज भी बहुत कम होता था, बस मैं ज़्यादा ट्रेनिंग के ऊपर ही। डेज मतलब? ऑफ डेज मतलब जैसे कि संडेज वगैरह, वो ऑफ डेज होते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत कम होता था, जैसे कि मैं बस मैचेस और बस ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस करता था। ये आपका पीक बना था। मुझे ये बताइए, दो तरह के इंसान होते हैं, इंट्रोवर होते हैं और एक होता है बहुत बोलने वाला, उनमें से शायद आप इंट्रोवर में से। yes. बट हमारे इंटरव्यू में आपको लोगों को बताना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे क्या दिक्कत एक्चुअल में फेस किया जाता है तो लोग समझेंगे नहीं। बिकॉज आज लोगों को लगता है एक 10th स्टैंडर्ड में लड़का है, मेरा ही फ्रेंड है, ही इज़ लाइक कि यार फुटबॉल में मैं तो रोनाल्डो बन जाऊँगा, एंड ही वॉचेज़ इंटरनेशनल मैचेस, बट रियल लाइफ में वो पॉसिबल नहीं होता। तो वही अगर आप लोगों को समझाएंगे कि रियल लाइफ में वो पीक मेंटेन रखना, हेल्थ मेंटेन रखना, इतना प्रॉब्लम मतलब फेस करना, फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करना क्या होता है, आप में आपके लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट? मेरे टाइम पे तो बस मैं ट्रेनिंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था और बस मैचेस के ऊपर, और जैसे कि थोड़ा और अच्छा करना मतलब इम्प्रूव करना, और हेल्थ वगैरह के ऊपर तो इतना ध्यान नहीं था क्योंकि तभी वो टाइम में मुझे इतना पता नहीं था। सो हेल्थ पे फोकस? हाँ है, ट्रेनिंग, डाइट वगैरह। डाइट वगैरह ऐसे जो हमारे मतलब फिजियो वगैरह और कोई जो फूड न्यूट्रिशनिस्ट है वो सब जो सजेस्ट करते हैं वही लेना पड़ता है। नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन? बहुत बहुत। अंडे अंडे खाते हो? कितना खाते हो? डिपेंड करता है। मैंने सुना था सौरभ 30 अंडे खाता है दिन का। नहीं नहीं, फिटनेस के लिए तो नहीं। नहीं नहीं, दिन का 10 या मैक्सिमम 8 हो जाता है। 8 अंडे खा लेते हो यार पूरा दिन के? फिर खाना अलग, ब्रेकफास्ट अलग, वो सब अलग? हाँ। 8 अंडे खा लेते हो? मॉर्निंग में 2 या फिर इवनिंग आफ्टरनून में 2, फिर ऐसे पकड़ के मतलब 3-3 बना के, डायरेक्टली 8 तो नहीं यार। 8 अंडे ज़्यादा हो गए। हाँ, पर वो डाइट के ऊपर फोकस करना पड़ता है ना, तो उसके लिए 8 तो नॉर्मल। और ऐसा अगर आपको हाई इस पे हाई मतलब 8 अगर आप बोल रहे हो नॉर्मल है, तो इसमें एकदम फर्स्ट इस पे क्या आएगा, क्या रहेगा, कितने अंडे? 12-15 बस, जैसे कि फुटबॉलर्स के लिए। अभी सबका अलग अलग होता है, जैसे मेरे बॉडी टाइप अलग है या दूसरे के बॉडी टाइप अलग है, तो वैसे 12-15 एग्स कंज्यूम हम कर सकते हैं। ये तो बात हो गई डाइट की। मुझे ये बताइए, बीच में मैंने सुना था कि आपको इंजरी भी हुई है, कहाँ पर हुई है? हाँ, मेरा नीस मतलब ऑपरेट हुआ था। एक्चुअल में जो आप बोल रहे हो ना, ये डॉक्टर लैंग्वेज है सर, मुझे नहीं समझ रहा मतलब, और प्रैक्टिकली दर्शकों को भी मतलब क्या है उसको कैसे बोलेंगे आप, क्या हुआ क्या? जो मेरा लिगामेंट था ना मतलब ACL बोलते हैं उसे, वो टेयर हो गया था। फिर डॉक्टर लैंग्वेज बोल रहे हैं? टेयर तो मतलब नॉर्मल ही है, मतलब नी जो रहता है वो उसके अंदर का जो लिगामेंट होता है वो टेयर हुआ था। अब ठीक है? अभी ठीक है। कितना टाइम लगा रिकवरी? 1 ईयर। हाँ। फुटबॉल चल रहा था? नहीं चल रहा था। नहीं बिल्कुल भी नहीं, 0। बस ऐसे कि 2-3 months बस बॉल टचेस किए, उसके बाद 1 ईयर के बाद मतलब 2019 में मैंने उसके बाद स्टार्ट किया। एक साल अब क्या कर रहे हैं?
बस मतलब रिहैब कर रहा था। रिहैब यानी कि रिहैबिटेशन, वो होता है एक अपने आप को रिहैब कर लेना, वही वाली बात ना। हाँ नी मतलब नी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा था, मतलब नी और फिर से टेर। टाइम पे जॉब नहीं कुछ नहीं तो इनकम सोर्स कहाँ से जनरेट हो? बिकॉज आई थिंक सो कि आपका इनकम सोर्स फुटबॉल से जनरेट होता है। तो फिर जब एनएफसी के साथ था तो मतलब तभी तो सैलरी वगैरह सब कुछ चालू था, बस रिहैब रिहैब रिहैब। ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगा माइंड को कि लाइक मैं इतना अच्छा पीक पे चल रहा हूँ, इंजरी हो गई, घर पे बैठ गया एक सा? मैं टीम के साथ ही था पर अकेला था, सब लोग को मतलब सब लोग हॉलीडेज पर थे, जैसे कि ऑफ सीजन बोलते हैं हॉलीडेज को हमारे, तो सब लोग ऑफ सीजन पर थे और बस मैं अकेला वहाँ पर टीम के साथ था। मतलब जैसे कि अकेला रिहैब करके आना, फिर से रूम में जाना, फिर रिहैब करने, फिर जिम। फेस की होगी सबसे पहला तो हमारे, जब हम प्रॉब्लम फेस करते तो लोग बोलते कि यार मैं तो डिप्रेशन में चले गया लोग ये वर्ड को यूज़ करते, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था तुम्हारे साथ? हाँ थोड़ा बहुत हुआ था, जैसे कि पता नहीं चल रहा था वो टाइम में, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट इंजरी था। नहीं नहीं मतलब वो फर्स्ट था तो मतलब एक्सपीरियंस मतलब डिफरेंट था उसका। मुझे फुटबॉल के बारे में बताइए, सबसे हार्डेस्ट मैच आपने खेला है और उस टाइम पे इतना टफ था कि लाइक हम शायद इस मैच में हार जाएंगे, और दैट वाज योर डिफरेंट एक्सपीरियंस, ऐसा कोई मैच याद आ रहा है कि यार उस मतलब कुछ पिक्चर याद है बचपन का फुटबॉल का? बचपन का तो नहीं, अभी का? अभी का तो मतलब हम लोग ने 2016 में शायद हम लोग विलारियल के साथ खेले थे, स्पेन का एकेडमी है, मतलब बहुत बड़ा टीम है एक्चुअली स्पेन का, तो उनके साथ खेले थे, तो हम लोग कुछ 5-0 हारे थे उनसे। उन्होंने आपको 5 मारा था? हाँ वो मतलब भी नहीं मारा, एक भी नहीं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम था जो मैंने फेस किया अभी तक का। कैसा था उनका गेम प्ले, कैसा था? मतलब बहुत डिफरेंट था वो, बहुत अच्छा एकेडमी था स्पेन का, मतलब यूरोप में देखने गया तो बेस्ट एकेडमी है वो। तो आपने इंटरनेशनल ट्रिप किया हुआ है, कौन सा जगह? किया है मतलब बहुत जगह पर किया है। ट्रिप कैसे होता है इंडिया से बाहर जाना, फ्लाइट से क्या फर्स्ट क्लास थी? नहीं ऐसे कुछ नहीं, नॉर्मल इकोनॉमी। यूरोप? यूरोप में अच्छा था, वहाँ का जर्नी वगैरह सब कुछ, लाइफस्टाइल मतलब एक यूरोप की लड़कियाँ कैसे थे? फॉर एग्जांपल यू आर अ यूथ गाय, सो जस्ट टू ओपन अप, वहाँ पर मतलब सबको ऐसे ही लगता था, हम लोग जब भी वहाँ पर यूरोप जाते थे सबको ऐसे लगता हम लोग घूमने जा रहे, पर वो घूमना नहीं, हम लोग घूमने ही नहीं मिलता था हमें, तो हमारा ट्रेनिंग ही होता था मोस्टली, ऐसे कि 1-2 दिन का बस कभी। फिर भी देखा होगा ना वहाँ पर माहौल, देखा होगा? हाँ तभी तो सब लोग छोटे थे, मतलब इतना किसी के ऊपर उतना फोकस नहीं किया, बस हमारा बस फुटबॉल खेलना है, रूम में जाना है। कैसा था फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप करना, वो भी लाइक डायरेक्टली? था पर मतलब जैसे कि तभी तो उतना वो नहीं था, मतलब बहुत डर गया था वो टाइम पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो बस। कौन से ईयर में, क्या एज होगी तुम्हारी? 2015 में। 15 याद होगा तुमको स्पेसिफिकली? मुझे ये बताना है ट्रेन का मतलब जो सफ़र होता है और जो प्लेन का सफ़र होता है, दोनों में सबसे सही सफ़र आपको क्या लगता है? ये ट्रेन का लगता है। नहीं ऐसे तो नहीं, जब भी थोड़ा हिलता है प्लेन ऊपर तभी थोड़ा, हाँ ऐसा लगता है हम एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। ट्रेन का मतलब उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है डरने ऐसा, मतलब ऊपर है नीचे है बस, वो चलते जा रहा है मतलब पटरी पे बस। ये एक्सपीरियंस है आपका, मुझे उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, फीफा के बारे में क्या है? कुलाबा में बीच में नाम बहुत मशहूर था, फीफा, एयर इंडिया, महिंद्रा, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स थे। तो जैसे कि पहले फीफा कुलाबा टीम सेकेंड डिवीजन मतलब रिप्रेजेंट करता था, पर अभी पता नहीं, तो अभी उन लोगों ने शायद बैकडाउन किया है, तो जैसे कि अभी न्यू रूल भी आया करके, जो मुंबई लीग टॉप करेगा उनको सेकेंड डिवीजन लीग खेलने का चांस मिलेगा। तो पता नहीं अभी मुझे इतना, मुझे मुंबई लीग का इतना मतलब आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ, तो ये साल यहाँ पर ही हूँ। थोड़ा मुद्दे से हटा रहा हूँ, हमेशा इतना ही सीरियस रहता है? हाँ नहीं, की गर्लफ्रेंड है? नहीं जेन्युइनली, आप रुक गए थोड़े टाइम, मतलब पॉज लिया, मतलब है सीरियस नहीं रहते। मुझे ये बताइए, मैं मतलब अगर हमको यूथ देख रही है अभी, पूरा कुलाबा हमको सुन रहा है, तुम कुलाबा में जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स हैं जो अपकमिंग है, जिन्होंने एक लेवल अप किया हुआ है, ब्रांड से खेल रहे हैं, उतनी ज़्यादा इनकम सोर्स नहीं है, उनको क्या बोलोगे आप? मैं इतना ही बोलूँगा कि उनको बस अभी मतलब उतना ठीक है, सब स्टार्टिंग में सबको उतना ही कम मिलता है, अभी अगर जितना हार्डवर्क करोगे और जितना आगे जाओगे उससे इनकम बढ़ते जाएगा, तो इनकम के बारे में मत सोचो अभी फ़िलहाल के लिए, तो बस अभी अपना खेलते जाओ, इम्प्रूव करो, आगे जाके कुछ हो सकता है। और मुझे लास्टली मुझे आपसे पूछना था कि जेन्युइनली बताइए कि सच में आपने जो इंटरनेशनल ट्रिप किया हुआ है, इंडिया अपने आप बोल रहे जैसे कि जिस तरह के कि आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है, आपने CSL आपने बोला कि आपने पिछले साल भी खेला हुआ है, इस टाइम भी आप ओडिशा किससे हो? सीनियर टीम ओडिशा FC।
कंट्री से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जेन्युइनली लगता है कि आने वाले वक्त पर आप जैसे मतलब और भी लोग हैं वो एक इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर पाएंगे, या मुश्किल है, क्या है बताएंगे? मुश्किल का तो नहीं बोल सकता, वो डिपेंड करता है जैसे कि कौन कितना ट्रेनिंग कर रहा है, कितना हार्डवर्क कर रहा है, और जो हार्डवर्क करता है तो उनको उतना मिलता भी है, ऐसे नहीं कि नहीं मिलता है, कुछ कुछ लोगों को नहीं होता है, मतलब नहीं मिलता है, पर फिर भी ठीक है, मैं इतना ही बोलूँगा कि हार्डवर्क करते जाओ, बाकी का मिल जाएगा। सुलभा में आपने हर एक टीम से खेला होगा मैच, मिनिमम हर एक प्लेयर्स लोगों को आप जानते होंगे जो एक लेवल अप है, सबसे अच्छा प्लेयर आपको कौन लगता है आपके नज़रिए में, और जो हार्डेस्ट कॉम्पिटिशन दे सकता है अगर आपके अपोजिशन में होगा तो? हम लोग संडे टू संडे खेलते हैं कभी कभी, या कभी टूर्नामेंट्स होता है। तीन नाम बताइए। डिपेंड करता है, मतलब बहुत, मतलब तीन ही नहीं है, उससे भी ज़्यादा भी है। हाँ, तो स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं बता सकते। ओके, मुझे ये बताइए, बेस्ट टीम तो बताइए कि कुलाबा में मैंने काफ़ी टीमों से रिप्रेजेंट किया, आपने खेला होगा, लोकली भी टीम्स होते हैं, गली भी टीम भी होती है आजकल, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि हम, मैं और मेरे फ्रेंड्स के साथ कॉम्बिनेशन में हमने ये टीम में खेला था और दैट वाज द बेस्ट पीरियड दैट आई वाज प्लेइंग थ्रू दैट टीम, तो वो टीम जो अभी टीम में मैं खेल रहा हूँ कुलाबा यूनाइटेड, मतलब उसमें बहुत जैसे कि रॉजर है, आपको तो पता ही है, रॉजर वैली, रोनाल, दीज आर द ब्रांड्स ऑफ कुलाबा, ऐसा बोल सकते हैं हम? हाँ, बोल सकते हैं। रॉजर का बहुत नाम है। हाँ, अच्छा गेम है उनका, अच्छा गेम है। आपका सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आपका क्या है, ये रोल है, आप जो ओपन जब ग्राउंड में खेलते हो तो आपका रोल क्या, आप स्ट्राइकर, क्या डिफेंड? मैं डिफेंसिव मिडफील्डर खेलता हूँ और स्टॉपर भी खेल लेता हूँ, और कुछ नहीं। कभी कभी स्ट्राइकर नहीं हो जाता? हाँ, हो जाते हो, मतलब गेम में, मतलब कभी कभी पता नहीं चलता है गेम फ्लो में, तो कभी कभी हो जाते हैं, मतलब राइट बैक बन जाते हैं, कभी लेफ्ट बैक बन जाते हैं, कभी डिफेंडिंग में। सब फुटबॉल खेलते हैं ना, सबको स्ट्राइकर ही बनना होता है, ये सच बात है कि नहीं? नहीं, ऐसे तो नहीं है, अगर मतलब एक जैसे कि हम कभी हमारे एरिया में खेल रहे हैं तो अलग बात है, तो वहाँ पर सब लोग मोस्टली स्ट्राइकर ही खेलते हैं, तो जैसे कि अभी बड़े ग्राउंड में खेलना अलग है और वो छोटे ग्राउंड में खेलना अलग है, वहाँ पर तो हम लोग बस ऐसे ही मतलब मजाक मस्ती के लिए खेलते हैं, तो वो तो सब लोग खेलते हैं ऐसे। हमारे टाइम होता था, हम जब टीम करते थे बिल्डिंग में, तो वी यूज टू लाइक के भाई गोल के और डिफेंडर रह गया तो नहीं खेलूँ। ऐसे होता है क्या ऐसे नेशनल, मतलब ऐसे अच्छे गेम गेम वैसे तो नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कोचेस के ऊपर, डिपेंड करता है दोस्तों पर भी, एरिया में के दोस्त लोग, भाई डिफेंडर गोल की नहीं रहूँगा तो स्ट्राइकर बोल खेलता हूँ, नहीं तो तेरे टीम में एरिया में होता है। हाँ, अभी भी एरिया में खेलते हैं कभी कभी? हाँ, मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब पहले जैसे तो नहीं, इससे पहले बेयर फुट खेलना पड़ता था, वैसे तो नहीं अभी। दो तीन क्वेश्चन है, फास्ट आंसर कीजिए। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आपको क्या सही लगता है, दिन में घूमना या रात में, डे या नाइट? नाइट। कोल्ड ड्रिंक और बियर? कोई भी नहीं। फिर क्या लेता हूँ? कुछ भी नहीं, मैं वाटर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। BC Double है तो लेते? हाँ, BC Double है तो अलग बात है। उसके बाद क्रिएटिन भी लेते हो? क्रिएटिन नहीं, पहले से नहीं, मतलब जो नहीं, जिसका नॉलेज ही नहीं है उसको लेने से कुछ यूज ही नहीं है। मुझे ये बताइए, अगर आपको ये ऑप्शन दे देवे कि रोनाल्डो या मेसी? मेसी। नेमार या मेसी? मेसी। क्यों इतना अच्छा? उसका गेम प्ले डिफरेंट है, मतलब बहुत प्लेयर से। हाँ, वो सिर्फ स्कोर नहीं कर सकता है, वो प्ले मेकिंग भी कर सकता है। विच इज़ द बेस्ट टीम फुटबॉल में, जैसे बताने जाऊँ, मुझे कैटेगरी नहीं पता अभी, हर जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट का होता है 2020 होता है, बट वो मैं उस तरह के कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जिसमें रियल मैड्रिड होता है, बार्सी होता है, बार्सिलोना होता है, तो उसमें आपको कौन सा लगता है अभी के लिए? तो फिलहाल PSG। कौन प्लेयर्स है उसके अंदर? मेसी, नेमार, एम्बापे, इसलिए वो टीम जिसमें मेसी है। ओके, क्या क्या मेसी में ऐसा क्वालिटी है जो आपको इंस्पायर कर? मुझे तो पता चल गया आपकी इंस्पिरेशन मेसी है। हाँ, जैसे कि उनका ड्रिबलिंग, प्ले मेकिंग, फिर फिनिशिंग। रोनाल्डो का शायद से डॉक्यूमेंट्री निकला था, उस पर रोनाल्डो उसके लड़के के साथ वो सीन है ना, मैंने जब, मुझे मेसी का आइडिया नहीं है बट मैंने ये देखा है कि उनका कितना एनुअली वो कमाते, बहुत सही कमाते हैं। ऐसा इंडिया में कोई है जो प्लेयर्स उनका हाफ? हाफ नो। बैंड डील्स मिलते तुमको? अभी तक तो फिलहाल कोई भी नहीं। क्यों मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपको विषय बताता हूँ वो क्या है। इंस्टाग्राम पे आपको ब्लू टिक है, वेरीफाइड हो आप, सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिकॉज आप ब्लू टिक वाले हो।
होता है यार ब्लू टिक कैसे, तो मुझे वो बताना था कि ब्रांड डील्स मिलते इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड कैसे हो गए, उसका थोड़ा स्टोरी बताओ, लोगों को पता नहीं है। ब्रांड डील्स तो अभी तक कुछ नहीं, कोई मतलब कोई मिला नहीं है, मिलता है पर मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला है। रेड बुल का मिला था क्या? मिला तो नहीं, उन्होंने जो मेरा एजेंसी है उन्होंने हेल्प किया था, ट्राई किया था मतलब उनसे बात करने के लिए, तो फिर से कोविड का होने के बाद से उनको मतलब उतना बात नहीं हुआ फिर से उनसे। और इसके बारे में अगर बताने जाएं तो हम किसके बारे में, वेरीफाइड अकाउंट के बारे में, ब्लू टिक के बारे में बताएं। तो जैसे कि अगर प्रोफेशनल लेवल में, प्रोफेशनल लेवल अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो ऑलमोस्ट हो ही जाता है सबका अपने आप। तो ऐसे आपके साथ और भी कितने प्लेयर्स हैं कुलाबा में जो वेरीफाइड अकाउंट वाले? नहीं अभी तक तो कोई नहीं। मुझे आपने फिर से एक बार नहीं बोला कि वेरीफाइड अकाउंट के लिए कुछ ऐसा होता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इंडिया रिप्रेजेंट किया होगा, वेरीफाइड अकाउंट है नहीं उनके, तो वेरीफाइड अकाउंट है। हाँ तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं है। जैसे कि जैसे आपको सामने से मेल आया था कुछ ऐसा आया था, ऑटोमेटिक ब्लू टिक आ गया? हाँ ऑटोमेटिक आ गया। क्या आपका रिएक्शन था उस टाइम पर जब ऐसे ब्लू टिक आ गया? अच्छा मैंने इतना मतलब रिएक्ट, हैप्पीनेस तो होता है ब्लू टिक मिलने के बाद, पर मैंने इतना मतलब रिएक्ट नहीं किया, मतलब मैं बस दो मतलब आपको ब्लू टिक आ चुकी है? हाँ तो जैसे कि मेरे मतलब रूम में जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसा हो गया, मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो गया, बस हम लोग थोड़े हैप्पी थे, थोड़े हैप्पी थे, थोड़ा सा छोटा पार्टी किया रूम में और कुछ नहीं। हाँ तो छोटा पार्टी भी गए ना हम लोग रूम में उसके लिए। ठीक है सर, चलेगा, बहुत शुक्रिया हमसे मिलने के लिए। आपको दर्शकों को कुछ बताना है तो आप बताइए। हाँ कुछ नहीं, बस हार्डवर्क करते जाओ, अगर मतलब जो फुटबॉल खेल रहे हैं उनके लिए हार्डवर्क करते जाओ, बाकी का तो आपको कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा सौरभ मेहर हमसे जुड़े थे कुलाबा विधानसभा से, काफ़ी चीज़ों पर बात की, मेनली फोकस किया फुटबॉल, उसी के अलावा वो अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह का स्ट्रगल किया है, इन विषयों पे हमने बात किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और महाराष्ट्र बंधु न्यूज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने एरिया का ही चैनल है सो थोड़ा सपोर्ट करो।